देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो धरना प्रदर्शन उसका मौलिक अधिकार है। 40 शायद उनको भी पता नहीं है 60-40 क्या है। एक आदमी अभी हाल को रोजगार देने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। बन्ना गुप्ता है, बन्ना गुप्ता है, हमारे रक्षक नहीं है, वो लोग सरकार के हैं। उसके विधानसभा के अंदर 3 करोड़ जनता का विश्वास है, वहाँ पर नमन कहा है, किसी का दम है, क्यों नहीं रोक पाया? अगर दम था तो क्यों नहीं रोका उस रैली को? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो धरना प्रदर्शन उसका मौलिक अधिकार है। लेकिन हम यहाँ के नौजवानों को यही कहना चाहेंगे कि आप पर जो है झारखंड के वर्तमान सरकार हेमंत जी का नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इसमें आरक्षण नीति हम लोगों ने लाए थे, कुछ बिंदुओं में हाईकोर्ट ने उसको अपना सुझाव भेजे थे या रद्द कर दिया गया था, उसको हम लोग सही ठीक करके फिर नियोजन नीति लाने के काम हम लोगों ने किया। एक आपका एडवर्टाइजमेंट भी हम लोग दिए थे। लेकिन यहाँ के नौजवानों के बीच में एक तो 60-40 शायद उनको भी पता नहीं है 60-40 क्या है। एक आदमी अभी हाल में झारखंड स्टूडेंट संघ हमसे भेंट किया था, तो हमने पूछा जी 60-40 क्या है, तो बोले सर 2016 का जो रघुवर दास का जो नियोजन नीति था वही है। बोले हम लोग तो उसको तो रोकने के लिए हम लोग 2021 का नियोजन नीति लाए थे, कोर्ट ने उसको रद्द किया, फिर भी उसको मैनिपुलेट करके बढ़िया करके हम लोग उसको यहाँ का लोगों को रोजगार देना चाहे, उस लोग धरना स्थगित किया, फिर बाद में फिर धरना प्रदर्शन किया। तो लोकतंत्र में मौलिक अधिकार धरना प्रदर्शन नियम अनुकूल करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ के नौजवानों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके विश्वास पर इस सरकार टिकी हुई है और उनके विश्वास के साथ विश्वासघात सरकार नहीं करेगा। यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और ताकि अधिक से अधिक झारखंडी लोगों का, कि हमने कहा लोकतंत्र अधिकार है, वो कर सकते हैं। अब उनको जानकारी है कि नहीं है, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो एक बार हम अपने कॉलेज की ओर आ रहे थे तो देखे लंबा एक लाइन लगा हुआ है और सब नारा दे रहा था, तो सब जब देखा हमको तो हमको खिंचा, बोला अरे लाइन में खड़ा हो, आज साल धरना प्रदर्शन करना है। हाँ, तो पीएन सिंह बोलकर हमारे एक टीचर हुआ करते थे, तो उन्होंने आया तो पूछा, जस्ट वो हम लोग के सामने थे, अरे किस लिए तुम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हो, तुमको जानकारी है? तो सही में मुझे जानकारी नहीं था, हम उसी वक्त हॉस्टल से निकल कर आए थे। तो आज कुछ राजनीतिक कारण से भी धरना प्रदर्शन होता है। हेमंत सोरेन है, बन्ना गुप्ता है, बन्ना गुप्ता है, जगन्नाथ महतो है, जगन्नाथ महतो है, 40 नहीं चलतो, 40 नहीं चलतो, 40 की नीति नहीं चलेगा, झारखंडियों को अपना अधिकार देना होगा, झारखंडियों को अपना अधिकार देना होगा, देना होगा। शेरनी बनाने का जिम्मेवारी सब आप ही लोग का है, इसलिए आज मेरा नाम के आगे टैग लग गया शेरनी। तो आप लोगों से एक ही बात करना है, सबसे पहले तो आप लोग सबको यही जानना चाहेंगे कि उस दिन विधानसभा में क्या हुआ था जो मैं इस तरह से बोली। इस तरह से बोलने का कारण मेरा यही था कि हम लोग आराम से एकदम विधानसभा से 500 मीटर की दूरी पर अपना
धरना प्रदर्शन किए थे जितने भी छात्र हैं, उसमें से पुलिस वाले लोग आके जो कि सरकार के लोग हैं, हम लोग कहते हैं ना कि हमारे अपने हैं पुलिस वाले, हमारे रक्षक हैं, लेकिन वो पुलिस वाले हमारे रक्षक नहीं है, वो लोग सरकार के हैं, उसके पैसे लगते हैं। वो लोग हमारे होते तो आके उस दिन आंसू बम फोड़ने के बाद जब बच्चों के आंखों में आंसू निकलने लगा, उसके बाद वो बच्चों को बेरहमी से नहीं मारते, बच्चों का हाथ से नहीं तोड़ते, बच्चों का सिर नहीं फोड़ते। क्या वो बच्चा आज एसआई का फॉर्म निकलेगा तो भर सकेगा? क्या उसका जिम्मेवार सदर होगा? और जब यही चीज के लिए किसको नहीं गुस्सा लगेगा इसमें? और वो जो मेरा बयान था वो कंडीशनल बयान था, किसी को भी पीटा जाएगा, कोई भी अपना भाइयों को चल कर पीटते हुए देखेगा तो किसी के जुबान से निकलेगा। और मेरा सच तो यही था, इसे तो और ज्यादा बोलना चाहिए था। आप सबसे एक ही कहना है मेरा, जितना और उसी चीज के बयान से सबने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि बेबी महतो के नाम पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए, बेबी महतो के नाम पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए, वो असंवैधानिक बोलिए। तो कहते वो मंत्री, अगर मेरा साथ आता तो था तो पल्लव गुप्ता सिंधी सेन और वीरेंद्र जी नारायण जो मुख्यमंत्री को या विधानसभा के अंदर या 3 करोड़ जनता का विश्वास है वहाँ पर नमस्ते कहा है, किसी का नाम है तो उनको ये बात मत कहो। तो जाके ट्रोल कीजिए उस मंत्री को जो पहले बिहार से आके यहाँ पर अपना रब रवाया समा के रखा है, वहाँ तो उसको गन्ना छीनने का काम नहीं मिला था, यहाँ पर आके बन्ना गुप्ता एकदम अपना राज सिंहासन लेके बैठा है। आप लोग यही सब सहते रहेंगे? अब और नहीं सहना है, अब हमारा दिन आ चुका है, अब एकदम पलट कर जवाब देना है। और उन मंत्रियों से कहना है, सुनो मंत्रियों, हम झारखंडियों में अगर सहन करने की ताकत है तो हम लोग आपको उकार के फेंकने का भी हिम्मत रखते हैं, आपको दबाई का भी हिम्मत रखते हैं। अब क्या भोले वाले जनता को ठगेंगे सोचते हैं? आप झारखंड में नहीं रहा भोले वाले जनता आपको ठगाने के लिए, अगर आप हथियार उठाएंगे तो हम लोग जुबान क्या, हम लोग भी कलम छोड़ के आपके खिलाफ में हथियार उठा देंगे। आप हम लोग को मारने के लिए आ रहे हैं तो हमारे भी हाथ है, हमारा भी तीर धनुष है, हमारा भी तलवार है। अगर आप दिमाग से चलाएंगे दिमाग तो हमारे पास भी दिमाग है कि आपको हम कैसे क्या करेंगे। और जो पुलिस प्रशासन आज रोक रहा था रैली निकालने के लिए, कल का लाल झंडा वाला रैली क्यों नहीं रोक पाया? अगर दम था तो क्यों नहीं रोका उस रैली को? बताइए किसी का यहाँ पे मारपीट हुआ? किसी ने किसी को मारा? नहीं मारा। लेकिन कल का लाल झंडा वाला रैली में मुखिया जी को मारा गया है, वहाँ के सीओ को मारा गया है, देख लीजिए आज उन्होंने पाबंदी करके रखा है। किसी को नहीं हुआ है। तो आप लोग से सबसे निवेदन है कि आप लोग का सिर्फ आपका अकेले का लड़ाई नहीं है, जितने ये माता पिता है सबका लड़ाई है। अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे सिर्फ नियोजन नीति का लड़ाई है तो सुनिए आप लोग, ये सिर्फ नियोजन नीति का लड़ाई नहीं है। आज नियोजन नीति 740 हुआ नहीं है, हम लोग के नाम पे एफआईआर दर्ज किया है, हम लोग वोट के बदले अपना अधिकार मांगने गए थे, हम लोग ने एफआईआर दर्ज किया है। और कितना छोटा एफआईआर दिया है, जबरन विधानसभा में घुसा है, जबकि हम लोग विधानसभा से 500 मीटर की दूरी पे थे। और एक एफआईआर क्या लिखा हुआ है कि पुलिस पर भी लोग हमला किया है। कितनी शर्म की बात है, एफआईआर लिखने वाला कितना मूर्ख है, कितना गधा है। पता नहीं कौन सा स्कूल में कौन सा कॉलेज में पढ़ लिख के बड़ा हो गया, पता नहीं कौन उसको अफसर बना दिया, ये तो कितनी शर्म की बात है। तो ये सब को करना चाहिए। एफआईआर क्या लिखा है? हम लोग पुलिस प्रशासन को पीटे। पुलिस प्रशासन के पास बड़ा बड़ा राइफल था, क्या कहते हैं उसको, SLR कहते हैं ना, क्या कहते हैं उस राइफल को? LLC कहते हैं, सेल्फ लोडिंग राइफल। मैं भी एक NCC कैडेट हूँ, मुझे भी मालूम है राइफल का नाम क्या है। और आप लोग पुलिस प्रशासन के पास लाठी था, हम स्टूडेंट के पास एक बैग, एक कलम और एक कॉपी था, लेकिन फिर भी हमारे नाम कह पा रहे हुआ कि स्टूडेंट पुलिस प्रशासन को पीटा है। कितनी शर्म की बात है, यही है हमारा झारखंड सरकार। अगर आपको नहीं आता सही से झारखंड चलाने तो छोड़ दो कुर्सी, छात्र एकदम ये है यहाँ पर छात्र है कि सही से लोग अपना राज्य को चला सकेगा। और इस नियोजन नीति अगर लागू होगा तो सोचिए छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा भविष्य। नियोजन नीति से
यहाँ पर नौकरी नहीं करेंगे, बाहर से आके नौकरी करेंगे, नौकरी करने के बाद यहाँ का पैसा लेंगे, यहाँ का पैसा लेके जमीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे, अपना परिवार लाएंगे, यहाँ अपना जनसंख्या बढ़ाएंगे, हम लोग को सड़क पे आना पड़ेगा। इसीलिए अभी दो दिन सड़क पे आइए, जिंदगी भर सुखी जिंदगी जिएगा। अभी अगर घर में घुस के रहिएगा तो जिंदगी भर सड़क पे रहिएगा गुलगुलिया बन के। अगर ये क्योंकि मैं उसी दिन विधानसभा ग्राम में एक ही दिन के एक्सपीरियंस मुझे बता रहा है कि आने वाला दिन में यही होने वाला है। इसलिए जो हमारा हक है, अपना अधिकार है, वो हम छीन के लड़ के मर के काट के ले लेंगे, और जो हमारा अधिकार नहीं है उसको हम लोग घूम के भी नहीं देखेंगे। यही हमारे झारखंडियों का एक एक बच्चा के रगों में यही खून दौड़ रहा है। हम लोग अपना अधिकार मर के छीन के काट के लेंगे, लेकिन दूसरों का अधिकार की तरफ हम लोग घूम के भी नहीं देखेंगे। हम लोग दूसरों की तरफ नजर नहीं डालते, हमें तो अपना चाहिए, बस अपना, किसी और का नहीं चाहिए हमें। हम लोग को नहीं चाहिए और से किसी का। अगर आप लोगों को नीति बनाने नहीं आता है सरकार, तो आपसे चुनौती है, सरकार कुर्सी छोड़ दीजिए, हम लोग बना लेंगे अपना नीति। अगर बोला जाता कि भारत एक देश है, अगर भारत एक देश है, हम भी मानते भारत एक देश है, जाकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से कहिए कि भारत को राज्य में विभाजित नहीं करेंगे। कोई भी कहीं भी जाकर नौकरी कर सकता है, कोई भी कहीं भी जाकर रह सकता है। तो क्यों ऐसे राज्य में विभाजित किया? और राज्य में विभाजित किया तो हम लोग का राज्य क्या बाबा जी का धाबा समझ के रखा है कि कोई भी आके यहाँ पर घुसेगा और कोई भी आके यहाँ पर अपना नौकरी करेगा या अपना घर परिवार बसाएगा। ऐसे हम लोग नहीं होने देंगे, काट के रख देंगे, एक एक को चुन चुन के काट देंगे।